अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। यार आज हम अपने किचन में लेके आए हैं कोफ्ते अंडे हैं जो कि बहुत ज़बरदस्त और सॉफ्ट बने हैं। चले जी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मैंने 3 अदद प्याज लिए हैं और 1 लहसुन की पूरी गठी ली है और हरी मिर्च लिया है। उसे 3 चम्मच बड़े ऑयल में लेके मैं उसे अच्छी तरह से फ्राई करूँगी। फ्राई के बाद उसे मैं प्रेशर लगा दूँगी। 1 गिलास पानी डाल दें आपने और उसे तकरीबन 15 मिनट के लिए आप स्टीम दे दें या फिर हल्की आँच पर रख दें। अगर आपने लेट बनानी है तो हल्की आँच पर रख दीजिए। तेज़ी से बन रही है और मैंने बोनलेस लिया है चॉपर में। 1/2 kg बोनलेस है, उसके अंदर मैंने 2 अदद छोटे वाले प्याज डाले हैं और साथ हरी मिर्च है और काली मिर्च और नमक डाल के इसे मैं चॉप कर रही हूँ। आपने चॉप इतना करना है कि प्याज आपके बिल्कुल भी मेल्ट ना इसके अंदर हो, ना हरी मिर्च मेल्ट हो। चॉपर में आप अच्छे तरीके से चॉप कर दें। कोफ्तों के अंदर मैंने 1 चम्मच बेसन ब्राउन करके डाला है। ये जो मैं दिखा रही हूँ मैंने 1 चम्मच बस लिया है, ये मैंने ज़्यादा ब्राउन कर लिया था। जो मैंने 1 चम्मच इसके अंदर डाल के इसके बॉल बना लिए हैं और अब मैं ऑयल प्री हीट करके उसके अंदर डाल के इसे फ्राई कर रही हूँ। ये सारे कोफ्तों को आप अच्छी तरीके से डीप फ्राई करना है और इतना ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, बस आपने इसे थोड़ा सा फ्राई करना है कलर देने के लिए। इसके साथ ही हमारा जो मसाला था वो गल चुका है। लहसुन प्याज टमाटर सब गल चुके हैं। अब इसके अंदर आप सारे मसाले ऐड कर दें। ये सारे अदरक और लहसुन का पेस्ट, अदरक का पेस्ट है और इसमें हरी मिर्च भी है। बाकी ये मसाले हैं और इसमें अच्छे तरीके से जो भी घर के आपके मसाले होते हैं, सुरख मिर्च, हल्दी, कुटी हुई लाल मिर्च, गरम मसाला, ये सारे मसाले अच्छी तरह मैश करके हमने मसाले को अच्छे तरीके से भूनना है। मसाले के अंदर मसाला अच्छी तरह भूना जाएगा और अच्छे तरीके से जब ये मसाला भून जाएगा फिर आपने इसके अंदर कोफ्ते ऐड कर देने हैं और फिर आपने कोफ्तों को भी अच्छी तरह इसे चमचे लगा लगा के भूनना है ताकि मसाला इसके अंदर घुल जाए। और इसके बाद आपने थोड़ी सी कसूरी मेथी डालनी है और 1 चम्मच आपने सिरका ऐड करना है, जो कि मैं आपको करके दिखाती हूँ। ये सारा कुछ बुनाई जो हमेशा तेज़ आंच पे होती है और तेज़ चूल्हे पे होती है और तेज़ आंच पे आपने बुनाई करनी है तेज़ चूल्हे पे। फिर इसके अंदर आप 1 ग्लास वाटर डालें और इसे हल्की आंच पे रख दें और लें जी आपके कोफ्ते रेडी हैं। बहुत ज़बरदस्त वीडियो, अच्छी लगी तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अल्लाह हाफिज़।